आईपीएल के 53वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 9 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और इस वजह से किंग्स इलेवन पंजाब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। वहीं मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 49 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 62 रनों की शानदार पारी खेलने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को लगातार तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। किंग्स इलेवन पंजाब को कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने 48 रनों की तेज शुरुआत दी, लेकिन छठे ओवर में लुंगी नगीदी ने मयंक अग्रवाल को 26 रनों के निजी स्कोर पर आउट किया और इसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब के विकेट की झड़ी लग गई। 9वें ओवर में 62 के स्कोर पर अंगीदी ने केएल राहुल को भी आउट किया। इसके बाद 11वें ओवर में 68 के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर ने निकोलस पूरन और 12वें ओवर में 72 के स्कोर पर इमरान ताहिर ने क्रिस गेल को आउट करके किंग्स इलेवन पंजाब को जबरदस्त झटका दिया। यहां से दीपक हुड्डा और मनदीप सिंह ने टीम को 16वें ओवर में 100 के पार पहुंचाया, लेकिन 17वें ओवर में 108 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने मनदीप सिंह को चलता किया। 18वें ओवर में 113 के स्कोर पर नगीदी ने जेम्स निशम को भी आउट किया। दीपक हुड्डा ने 30 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 62 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और इसी वजह से पंजाब 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर कुल 153 रन बना पाए। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से लुंगी नगीदी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट छटके। 154 रनों के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स को फाफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ ने 82 रनों की बेहतरीन शुरुआत की। फाफ डुप्लेसी ने 34 गेंदों में 48 रनों की बढ़िया पारी खेली, लेकिन उन्हें 10वें ओवर में क्रिस जॉर्डन ने आउट करके टीम को सफलता दिलाई। फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने अंबाती रायडू के साथ मिलकर टीम को 13वें ओवर में 100 के पार पहुंचाया। 16वें ओवर में ऋतुराज ने 38 गेंदों में अपना लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा किया। अंबाती रायडू ने 30 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली और दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े और टीम को 7 गेंद शेष रहते शानदार जीत दिला दी। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 49 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा नाबाद 62 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए और उनकी इस पारी के लिए उन्हें ही लगातार तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। किंग्स इलेवन पंजाब ने आईपीएल 2020 में 14 मैचों में से 6 मैच जीते और 8 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 14 मैचों में से 6 जीते और 8 मैच गंवाए। दोनों टीमों के 12-12 अंक रहे, लेकिन बेहतरीन रन रेट के कारण अंक तालिका में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से ऊपर रही, मगर फिर भी प्लेऑफ से बाहर हो गई। वहीं सोमवार को आईपीएल के 55वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच भिड़ंत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।